हेलो दोस्तों, चलिए सीधा बात करते हैं। नो बकवास दोस्तों, मैं फालतू का आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा बट दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों जिनका कम परसेंटेज, दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जितना आपको दिखने वाला है, अगर इतना परसेंटेज जिस मतलब आपको मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ, अगर आपका इतना परसेंटेज है तो यहाँ पर आपका दोस्तों 90% सिलेक्शन का चांस दोस्तों बनना है। उससे पहले मैं काफ़ी ज़रूरी बात बता दूँ दोस्तों, यह 2100 से ज़्यादा लोगों का कमेंट के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि 2100 लोगों ने बताया था दोस्तों कि मेरा इतना परसेंटेज है और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। दोस्तों काफ़ी मतलब अच्छी वीडियो है। अगर इस वीडियो में आपके डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न का नाम नहीं है तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो आप लोग दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए कि क्या इसमें है। दोस्तों अगर कम परसेंटेज है तो अभी आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं बीच में आपको अच्छे से अच्छी बातें बताता हूँ जो कम परसेंटेज वाले लोगों को भी काफ़ी काम में आ सकता है, तो आप लोग बने रहें। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर सीधा बात करेंगे आज हम लोग उत्तर प्रदेश GDS कटअप 2021 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको उससे पहले दिखा दूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल कटअप है, OBC है, EWS है, SC है, ST और PWD कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। मैं जूम करता हूँ एक एक को दोस्तों, मैं डिटेल में थोड़ा तेज़ी से बोलते जाऊँगा दोस्तों, तो आप लोग फोकस बना के बस सुनते रहिए। दोस्तों अगर धीरे बोलूँगा तो काफ़ी वीडियो लेंदी बन जाएगा, इसलिए मैं तेज़ी से बोलूँगा और आपका कम टाइम वेस्ट हो। यहाँ पे सबसे पहले बात कीजिए आगरा के बारे में, जनरल की दोस्तों बात कीजिए यहाँ पे 91 से 93 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। OBC की बात कीजिए दोस्तों यहाँ पे तो 90 से 90+ में, EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 90+ आप लोग देख सकते हैं। SC की बात की जाए यहाँ पे SC की 89 to 91, ST की बात की जाए 88+, PWD कैटेगरी की बात की जाए तो 80+ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे अलीगढ़ हेड ऑफिस के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं 89 से 91, OBC की बात की जाए 88 से 90, EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 89+ में आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ये बात की जाए SC के लिए तो देख सकते हैं 87 से 89 तक, ST की बात की जाए 85 से 87 तक, और PWD कैटेगरी की बात की जाए अगर आप लोग 81+ में है तो आपका दोस्तों यहाँ पे 95% सिलेक्शन का चांस दोस्तों बन रहा है। अगले नंबर पे बात करते हैं हम लोग बुलंदशहर के बारे में। दोस्तों बुलंदशहर की बात की जाए यहाँ पे देख सकते हैं 90 से 92 यहाँ पे जनरल के लिए, OBC की बात की जाए 89 से 91, यहाँ EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 90+ में आपको देखने को मिलने वाला है। वही अगले नंबर पर बात की जाए यहाँ पे ST की बात की जाए तो 87 से 90, ST की बात की जाए तो दोस्तों 85 से 89, और यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे PWD कैटेगरी की दोस्तों 82 से अगर आप एबव हैं तो यहाँ पे 99% दोस्तों आपका सिलेक्शन का चांस यहाँ पे बन रहा है। वही बात की जाए दोस्तों यहाँ पे खुर्जा सिटी के बारे में, दोस्तों खुर्जा सिटी के बारे में बात की जाए यहाँ पे तो देख सकते हैं जनरल के लिए 88 से 90 दोस्तों यहाँ पे जाने का पूरा चांस यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों और बात की जाए वहीं पे OBC कैटेगरी की बात की जाए तो 88 दोस्तों प्लस में है तो आपका दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस बनना है। वही बात की जाए EWS कैटेगरी की तो यहाँ पे देख सकते हैं 91 से एबव है दोस्तों तभी आपका यहाँ पे चांस बनने वाला है। बात की जाए यहाँ पे SC की तो दोस्तों 87 से एबव है तो आपका यहाँ पे काफ़ी गोल्डन चांस बनने वाला है। ST की बात की जाए तो 86 से ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छी बात है, और यहाँ पे बात की जाए दोस्तों यहाँ पे 78+ में अगर आप हैं तो यहाँ पे दोस्तों 95% सिलेक्शन का चांस है आपका यहाँ पे बन रहा है। अगले नंबर बात की जाए इटावा के बारे में, तो इटावा हेड ऑफिस के बारे में बात की जाए तो जनरल के देख सकते हैं 91 से 93, OBC की बात की जाए OBC के लिए तो 90+ में, EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 90+ में आपको देखने को मिलने वाला है। वही बात की जाए यहाँ पे SC के लिए तो 89 to 91, ST की बात की जाए यहाँ पे ST की बात की जाए तो देख सकते हैं 88+ में, और यहाँ पे बात की जाए PWD कैटेगरी की तो 81+ में आपको देखने को मिलने वाला है। और एरिया के बारे में बात की जाए तो एरिया हेड ऑफिस के बारे में बात की जाए जनरल के देख सकते हैं 89 से 91 एबव जा सकता है। दोस्तों वही बात की जाए यहाँ पे 88 से 90 आपको देखने को मिल रहा है OBC कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे बात की जाए 89+ में दोस्तों आपको जो देखने को मिलने वाला है वह है यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए। SC की बात की जाए 87 से 90, ST की बात की जाए 85 से 87, और यहाँ पे बात की जाए दोस्तों यहाँ पे PWD कैटेगरी की तो 81 एबव है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 99% चांस बनता है सिलेक्शन लेने का। अगले नंबर बात की जाए दोस्तों चिरगांव के बारे में, चिरगांव की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे तो 90 से 92 यहाँ पे जाने का चांसेज है, और OBC की बात की जाए 89 से 91, EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 91+ में आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों वही बात करते हैं हम लोग SC की बात की जाए तो 87 से 90, ST की बात की जाए 85 से 89, और यहाँ पे 82+ में दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे PWD कैटेगरी की। दोस्तों अगर आपका इतना परसेंटेज हो तो 95% सिलेक्शन का चांस यहाँ पे काफ़ी शानदार आपका बन रहा है लेने का।
अगले नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे झांसी। दोस्तों झांसी सिटी के बारे में दोस्तों बात की जाए तो जो यहाँ पे कमेंट आया है दोस्तों, कुछ खास कमेंट नहीं है बट जिनका भी कमेंट है काफ़ी यहाँ पे कम परसेंटेज है। तो बात की जाए यहाँ पे देख सकते हैं 88 से 90 आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे एक्सपेक्टेड झांसी जनरल के लिए। OBC की बात की जाए यहाँ पे 88+ में, EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 90+ में, वही बात की जाए यहाँ पे SC के लिए तो देख सकते हैं 87+ में, ST की बात की जाए तो 86+ में, और 78+ की बात की जाए तो यहाँ पे PWD कैटेगरी के लिए दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पे बनने वाला है। वही बात की जाए दोस्तों यहाँ पे ललितपुर, दोस्तों ललितपुर की बात की जाए यहाँ पे तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ललितपुर की बात की जाए तो 92+ में आपको देखने को मिलने वाला है। वही बात की जाए यहाँ पे OBC के लिए तो देख सकते हैं 90 से 92, यहाँ पे EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 90 से 93, SC की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, SC की बात की जाए तो SC के लिए आप लोग देख सकते हैं 89 to 91, ST के लिए 88 to 90, और यहाँ पे 78+ में आपको देखने को मिलने वाला है, 78+ में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों PWD कैटेगरी के लिए। अगले नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं ORI हेड ऑफिस के लिए। ORI हेड ऑफिस की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए 91 से 93, वही अगले नंबर पर बात की जाए OBC के लिए 90 से 92, और यहाँ पे देख सकते हैं EWS कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी की 91+ में, OBC की 89 to 90, और यहाँ पे बात की जाए ST के लिए 89 to 90 एबव देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए PWD कैटेगरी की तो 80+ में आपको, अगर 80+ दोस्तों आपका नंबर है तो यहाँ पे 95% आपका सिलेक्शन का चांस दोस्तों बन रहा है। अगले नंबर बात की जाए आगरा हेड ऑफिस के बारे में तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल के लिए 92 दोस्तों, क्योंकि आगरा हेड ऑफिस में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, मेन सिटी में दोस्तों अधिकतर लोगों का होता है लक्ष्य जॉब पाना, तो यहाँ पे देख सकते हैं 92 से दोस्तों एबव भी जा सकता है। OBC की बात की जाए तो 90 से 91 या इससे भी एबव दोस्तों यहाँ पे जाने का चांसेज है। वही बात की जाए 90+ जो आपको देखने को मिलने वाला है वह है आप लोगों को दोस्तों, उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ लोगों का परसेंटेज कम होता है तो उन लोगों के लिए मैं अलग से वीडियो लाता हूं, तो उस वीडियो को दोस्तों आप लोग इंतज़ार करें ताकि आप लोग को एक परफेक्ट कटअप मिले। दोस्तों उस वीडियो में क्या है कि मैं डिटेल में बताता हूँ, काफ़ी एनालिसिस करके मैं डाटा दोस्तों रखा रहता हूँ, तो बताता हूँ उसमें कि अगर आपका कम परसेंटेज है तो आप यहाँ यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा चांस बनता है सिलेक्शन लेने का। तो दोस्तों अगर आपका कम परसेंटेज है 2-3 दिन वेट करिए, मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूं कि अगर आप यहां पे अप्लाई करते हैं तो आपका बहुत मतलब कि चांस बन रहा है सिलेक्शन लेने का। यहां पे जैसे देख सकते हैं आगरा हेड ऑफिस के, तो यहां पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 इसके बाद जल्दी आएगा। अगर इस वीडियो में आपके डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का नाम नहीं है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।